हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइबर जानकारी में। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया के न्यू माइक BY-M1 का और प्रो लाइट के ट्राइपॉड का। इन दोनों इक्विपमेंट्स को हमने न्यू लिया है और आने वाली वीडियोज में हम इन्हीं दोनों का यूज करने वाले हैं। आने वाली वीडियोज आप इन्हीं दोनों से बनी हुई देखेंगे। तो ये है बोया का माइक BY-M1 और एक लेबलियर माइक्रोफोन है। और इसमें यहाँ पर देखिए बारकोड है, आप इस बारकोड को स्कैन करके इसकी वेबसाइट पर जा करके इसकी ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं। और ये आपके स्मार्टफोन, टैबलेट और PC यानी कि कंप्यूटर में, इन सब में यूज किया जा सकता है। इसकी केबल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 18-20 फिट होती है। और इसके स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। इसमें फीचर्स में क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, इसमें स्मार्टफोन, DSLR और कैमकॉर्डर, इन तीनों के लिए ये यूज हो सकता है। क्लिप ऑन माइक है, इसमें जो है क्लिप भी होती है जो कॉलर पे आप लगा सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डर्स PC के लिए भी यूज हो सकता है। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, ओमनी डायरेक्शनल है ये, चारों तरफ से 360 डिग्री पर ये चारों तरफ से साउंड को कैच करता है। हाई क्वालिटी कंडेंसर इसके अंदर दिया गया है। लो हैंडलिंग नॉइज, हैंडलिंग करते समय जो नॉइज आती है उसको भी काफ़ी ये कम कैच करता है। और इसमें इंक्लूड्स लैपल क्लिप भी है। LR44 बैटरी आती है इसके साथ। फोम विंड स्क्रीन आती है। 1x4 इंच का एडेप्टर भी आता है। फोम विंड स्क्रीन मतलब जो माइक के आगे एक छोटा सा फोम का लगा होता है, जिससे आपकी आवाज़ जब आप मुँह से बोलते हैं तो जो आपके मुँह से थोड़ी एयर आती है उसको कैंसिल करता है। इसमें ट्रांसड्यूसर देखते हैं स्पेसिफिकेशंस में। ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रेट कंडेंसर है। ट्रांसड्यूसर एक सिग्नल्स को, एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। पोलर पैटर्न आपका ओमनी डायरेक्शनल है। 65 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज है। 74 डेसिबल है जो कि काफ़ी अच्छा है। और भी इसके 1000 ओम है। 3.5 mm जैक है इसमें। लेपल क्लिक, LR44 बैटरी और माइक्रोफोन और आपकी इसमें केबल 6 मीटर है। माइक्रोफोन का वेट 2.5 ग्राम है। माइक्रोफोन पावर मॉड्यूल का पूरा कंप्लीट का वेट 18 ग्राम है। ये है बोया का न्यू माइक BY-M1 और ये देखिए आज इसको ओपन कर रहे हैं और इसको एक लेदर पाउच में दिया गया है। ये देखिए माइक, काफ़ी अच्छा माइक है। और ये 3.5 mm जैक है, यहाँ पर माइक है। और यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑप्शंस हैं, इसके अंदर आपकी बैटरी भी लगेगी, एक सेल भी लगता है इसमें। केबल की लेंथ काफ़ी लंबी है और ये लगभग 20 फिट केबल है, काफ़ी दूर से भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है इसमें। ये देखिए इसमें यूजर मैनुअल है, कैसे इस माइक को कनेक्ट करना है अपने PC से या मोबाइल से, ये सब जानकारी आप इसमें पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है देखते हैं। ये है वारंटी कार्ड और इसके अंदर क्या क्या है ये देखिए। इसमें कनेक्टर है, इस कनेक्टर से आप जो है अपने माइक को एम्पलीफायर वगैरह में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर सिंपली फ़ोन में कनेक्ट करना है तो इस कनेक्टर से ही 3.5 mm जैक से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये बैटरी है देखिए जो इसके अंदर लगेगी। और ये आपका, हम इसको ओपन करके देखते हैं जस्ट ए सेकेंड, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या अंदर है ये देखेंगे। हाँ जी, ये आपकी विंड स्क्रीन है जो यहाँ पर माइक के ऊपर लगती है ताकि आपकी जो साउंड है वो क्लियर आए और नॉइज़ कम हो, नॉइज़ कैंसिलेशन में काम करती है ये। इसके अलावा आपको ये क्लिप है जो आपके कॉलर पर फिट होगी, तो आप जो है इसको अपने शर्ट में आसानी से लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर आप केबल को डाल लेंगे ताकि ये एक स्टेबल बना रहे और आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी से होगी। इसके अलावा आप, हम देखेंगे, ये देखिए इसको हमने फिक्स कर लिया है, यहाँ पर कॉलर पर लगा लिया है। और ये आपकी विंडशील्ड भी लगा ली है। और यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल इसको हमने 3.5 mm जैक को मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है। और इसमें जो कंट्रोल्स हैं उस पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जरा जूम कीजिए कैमरा, ये देखिए यहाँ पर कैमरा और यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर स्मार्टफोन। अगर आप कैमरे से या DSLR से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये कैमरा मोड पे सिलेक्ट करना है। और अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर रखा है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको नीचे सेलेक्ट करना है स्मार्टफोन मोड पर, ठीक है। और इसमें एक हुक होता है जिसको आप अपने बेल्ट में
यहाँ पर लगा लेते हैं और ये केबल आपको शर्ट के अंदर से आती है ताकि ये वीडियो बनाते समय दिखे ना। कैमरे से यूज करने के लिए आपको इसके अंदर सेल डालना पड़ेगा, बैटरी डालनी पड़ेगी जो इसके साथ आई है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको ओपन करना है। जी हाँ, ये देखिए, इसको घुमा घुमा करके ओपन कर सकते हैं और ये देखिएगा, ये ओपन हो गया है और यहाँ पर इसमें बैटरी पड़ेगी जब हम कैमरे से या DSLR से इसको यूज करेंगे। और अगर आप फोन से कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो सेल डालने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, टेक वीडियोज के लिए देखते रहिए साइबर जानकारी और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।